वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, अब हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में स्टार्टिंग हमने करा था, इंडेक्स नंबर को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया था, अनवेटेड एंड वेटेड। अनवेटेड के अपने दो मेथड्स थे, एक था आपका एग्रीगेटिव मेथड और एक था एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब फिर वेटेड पे हम आए जहाँ पर क्वांटिटी भी मैंशनड है, तो उसमें भी दो मेथड है आपके पास में, एग्रीगेटिव मेथड एंड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो एग्रीगेटिव मेथड में आपने डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक्स के आपने जो है फॉर्मूलेस के थ्रू आपने कैलकुलेट करना सीखा लास्ट क्लास तक में। आज के क्लासेस में हम वेटेड इंडेक्स नंबर में हम एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड को डिस्कस करेंगे, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। क्लियर है बच्चे? मैं एक बार थोड़ा सा और आपको रिमाइंड करवा देता हूँ जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। देखिए, ये बेसिकली इंडेक्स नंबर को अभी तक हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, अनवेटेड में इसमें सिर्फ प्राइस प्राइस रहेगा, बेस ईयर एंड करंट ईयर, क्वांटिटी नहीं रहेगा। इसमें आपका प्राइस बेस ईयर एंड करंट ईयर का होगा, साथ साथ में क्वांटिटी भी आपका बेस ईयर एंड करंट ईयर का होगा। इसमें सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड है, ये दोनों डिस्कस हम कर चुके हैं। इसमें हमारे पास में वेटेड एग्रीगेटिव मेथड जिसमें लेस पेयर, पास फिशर्स, ये सारे मेथड्स हमने डिस्कस किए। अब वेटेड में हमारा रहता है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो आज की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। कुछ बच्चों को डाउट था तो इसको इसलिए मैं दोबारा से रिपीट करवा रहा हूं। देखो बच्चे, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड में आपके पास में एक होगा वेटेज डब्लू। यहां पे डब्लू क्या है बेसिकली? डब्लू देखो, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर कॉलम में गिवन होगा डब्लू, अदरवाइज आपको W अगर गिवन नहीं है तो W आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो W आपका कैलकुलेट कैसे होगा? P0 एंड Q0 डायरेक्ट गिवन है तो उसी को प्रायोरिटी देंगे, अगर आपके पास में गिवन नहीं है तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे। बच्चे कुछ भी डिस्कशन करना है तो आप चैट में टेक्स्ट करें। तो बच्चे वेटेड आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी को प्रायोरिटी देंगे। और उसके बाद पी मींस क्या होगा? पी मींस प्राइस को रिलेट करोगे ईच एंड एवरी लेवल, P1 अपॉन P0 इनटू 100। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? पी को। क्लियर है बच्चे? तो डब्ल्यू का एक कॉलम होना चाहिए, एक पी का कॉलम होना चाहिए आपके पास में। उसके बाद डब्ल्यू एंड पी के कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो डब्ल्यू पी एंड समीशन कर दोगे डब्ल्यू पी का, तो समीशन ऑफ डब्ल्यू पी आ जाएगा एंड समीशन ऑफ डब्ल्यू से आप उसको डिवाइड करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। क्वेश्चन से करते हैं, दो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर आज हम। जैसे आप एक क्वेश्चन देखें, यहाँ पर आपको डब्ल्यू गिवन है तो डब्ल्यू कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। तो ये तो बच्चे आपके पास में क्या हो गया डब्ल्यू, ये क्या हो गया आपके पास में P0, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास में हो गया P1। तो W ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कैलकुलेट करें, आप यहाँ पर P कैलकुलेट करें, ठीक है? फॉर्मूले में क्या गिवन है? P, इसको कई बार R भी बोलते हैं। तो P आप कैलकुलेट करेंगे कैसे? P1 अपॉन P0 इंटू 100। क्लियर है बच्चे? सॉल्व करेंगे आप 90 बाय 100 इंटू 100, ये तो आपका क्लियर है कि आपके पास में 90 होगा, एंड आपके पास में 20 इंटू 100, ये आपके पास में बच्चे 100 आ गया, एंड 60/70 इंटू 100 कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, 15 अपॉन 20 इंटू 100, ये तो आपका 75 हो गया, 55 अपॉन 40 इंटू 100। क्लियर है बच्चे? सॉल्व करेंगे इसको हम, देखो तो यहाँ तो आपके पास में 90 आया, 100 आया, 60/70 इंटू 100 तो आपके पास में कितना है? 85.71, ठीक है? सॉल्व करेंगे 55/40 इंटू 100 तो आपके पास में क्या आया? 137.5। क्लियर है बच्चे?
हेलो हेलो। हाँ जी बच्चे देखो, ये आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में पी आ गया। अब इसके बाद आपको क्या निकालना, डब्ल्यू ऑलरेडी है, पी है, तो डब्ल्यू पी कैलकुलेट करेंगे आप। आइए, कैलकुलेटर है आपके पास में, 30 × 90 2700 1500 85.71 इंटू 20 171.42 75 इंटू 10 750 एंड 55 इंटू 25 1375 एंड समीशन ऑफ डब्ल्यू पी इज 2700 प्लस 1500 प्लस वन, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, 85.71 × 20 1714.2 171.42 1714.2 और 2700 प्लस 1500 प्लस 1714.2 प्लस 750 प्लस 1375, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, 8039.2 एंड P01 कैलकुलेट करेंगे, समीशन पी डब्ल्यू अपॉन समीशन डब्ल्यू, एंड समीशन डब्ल्यू क्या आया आपके पास में बच्चे, 30 + 15 + 20 + 10 + 2500। ठीक है बच्चे, एक सेकंड वेट करेंगे। ठीक है बच्चे, हेलो, देखो बच्चे लास्ट में बस यहाँ करेक्शन करना है आपको, 137.5 × 25 3437.5 एंड समीशन डब्ल्यू पी इक्वल्स टू प्लस 750 प्लस 1714.2 प्लस 1500 प्लस 2700 1010.7। सॉल्व करेंगे इसको हम, तो क्या आएगा हमारे पास में, 10101.7 अपॉन 100 एंड इक्वल्स टू, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बच्चे 201.01, ये आपका वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर आ गया। ठीक है बच्चे, तो मैं ज्योमेट्री मीन का क्वेश्चन आज की क्लास में स्किप कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसके लिए आपको एक लॉग टेबल देखना होगा, तो नेक्स्ट क्लासेस में मैं लॉग टेबल आपका कंडक्ट करूँगा, जिसमें कि पहले आपको मैं, क्योंकि आज लॉग टेबल मैंने स्क्रीन पर लगाया नहीं है, ये तो मैं अभी आपको लॉग टेबल समझा देता हूँ। बुक के थ्रू मैं अगर आप लॉग टेबल करवाऊंगा तो बुक में तो डेटा मुझे नजर आ रहा है, आपको नजर नहीं आएगा, तो उसको पीडीएफ को पहले मैं यहाँ लगाऊंगा, फिर लॉग टेबल देखना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो इसको पेंडिंग रखता हूँ। हाँ जी, अब यहाँ पर आप देखें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके पास में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आ डिपार्टमेंट स्टोर सेल्स द सिस्टम टेलीविजन सेट्स एंड रेडियोस, द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल सेल्स वॉल्यूम इन रुपीज इज एस्टिमेटेड एज अ 30% 50% एंड द 20% रेडियो, द प्राइस ऑफ द स्टेरियो
सिस्टम टेलीविजन सेट्स एंड द रेडियो इज द 19 वर 2,000, 15,000 and 500 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली वाइल देयर रिस्पेक्टिव प्राइस इन द 1995 आपके पास में गिवन है. अ वेट प्राइस इंडेक्स फॉर द 1995 विद द बेस 1990s टू बी द कंप्यूटेड विच इंडेक्स नंबर फॉर्मूला इज अप्रिशिएट एंड वाई कंप्यूट द इंडेक्स. चलो इसको आप कैलकुलेट करो. आपको मैंने अनवेटेड वेटेड दोनों बताए, वेटेड क्वेश्चन है तो वेटेड में कौन सा आप फॉर्मूला लगाओगे ये आपके ऊपर है. आप करो फिर मैं भी सॉल्व करवा रहा हूँ. देखें बच्चे क्वेश्चन क्या है यहाँ पे. अ डिपार्टमेंट स्टोर सेल्स स्टीरियो सिस्टम टेलीविजन सेट्स एंड रेडियो. जहाँ पे देखें आप तो आपके पास से सबसे पहले बच्चे कॉलम बना लेते हैं. ये आपका वेटेड है, पी जीरो है, सॉल्व करेंगे. यहाँ पे पहले आप टाइटल ला दो. देखिए कौन सा मेथड इसमें अप्रोप्रिएट है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्वेश्चन है कि इस पर थ्री आइटम्स में इसने इसको क्या करा, डिवाइड कर दिया टोटल क्वांटिटी को ना परसेंटेज के फॉर्म में. तो जब थ्री आइटम्स को डिफरेंट आइटम्स को परसेंटेज के फॉर्म में जब डिवाइड कर देगा तो ऑलवेज आप इस बात को समझिएगा कोई टोटल क्वांटिटी है उस पर डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स है और उसको परसेंटेज में डिवाइड कर दे तो फिर आपका वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड ही अप्रोप्रिएट मेथड रहेगा. और जो टोटल क्वांटिटी को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया बेसिकली वो वेटेड की बात कर रहा है. दिस वन W. तो W क्या है आपके पास में, W आपके पास में बच्चे हैं द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स ऑफ द वॉल्यूम रुपीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन द 30% 50% एंड द 20%. ठीक है बच्चे. और आपके पास में पी जीरो बेस ईयर प्राइस एंड करंट ईयर प्राइस. तो पी जीरो तो इसमें आपके पास है 1995 विद द बेस 1990 तो 1990 का आपका बेस ईयर है तो रेडियो से 99 वर. अब आगे कह रहा है द प्राइस ऑफ द स्टीरियो सिस्टम टेलीविजन सेट्स एंड द रेडियोस इन द 1990 वाज 20,000 15,000 एंड 500 रुपीज पर यूनिट रिस्पेक्टिवली वाइल देयर रिस्पेक्टिव प्राइस इन द 1995 वर P1 25,000 20,000 एंड 800. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या निकालेंगे यहां से P जो कि क्या होगा आपका P1 अपॉन P0 इंटू 100. सॉल्व करेंगे आप इसको. पच्चीस हजार डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 12.5 125 20,000 डिवाइडेड बाय 15,000 इंटू 100 133.33 800 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 160. क्लियर है बच्चे. एंड WP क्या होगा आपका,
डब्ल्यू पी 30 × 125 3750 133.33 × 50 1234.5 ठीक है 160 × 20 3200 क्लियर है बच्चे। डब्ल्यू पी आपके पास में आ गया एंड आपके पास में पी आ गया एंड डब्ल्यू पी आ गया। अब समीशन ऑफ क्या होगा आपके पास से पी जीरो वन का फॉर्मूला पी जीरो वन इक्वल्स टू समीशन ऑफ डब्ल्यू पी अपॉन समीशन ऑफ डब्ल्यू ठीक है एंड पी जीरो वन समीशन ऑफ डब्ल्यू पी समीशन ऑफ डब्ल्यू पी 3200 प्लस 0.5 प्लस 3750 13616.5 तो आपके पास में 13616.5 अपॉन समीशन डब्ल्यू। समीशन डब्ल्यू के आपके पास में परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ऑलवेज समीशन डब्ल्यू आपका 100 ही रहेगा। तो पी जीरो वन इक्वल्स टू 136.16 ठीक है बच्चे ये आपका आंसर है। क्लियर है तो ये क्वेश्चन है पुराना क्वेश्चन है एग्री करता हूँ बट आपको अब हैबिट में आ जाना चाहिए। अब बच्चे प्रैक्टिस में क्वेश्चन ये आप करेंगे फिर भी क्या कह रहे हैं कैलकुलेट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस 2005 ऑन द बेस ऑफ द 2000 फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो इफ द वेटेड ऑफ द कमोडिटीज ए बी सी डी आर इंक्रीज्ड इन द रेशो 1:3, 1:2:3 एंड 4 व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द इंडेक्स नंबर। अगर इनका वेटेड इंक्रीज हो जाएगा तो चलो इसको आप ट्राई करो क्वेश्चन इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं कई बार क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हेलो हेलो। अब यहां देखें आप देखिए क्या कह रहे हैं एक तो वेटेड ये है प्राइस बेस ईयर एंड प्राइस करंट ईयर। आप यहां से एक इंडेक्स नंबर निकालो ठीक है पहले आप इसका इंडेक्स निकाल लो धीरे धीरे क्वेश्चन तो क्या है तो इंडेक्स नंबर निकालोगे अगर आप इसका तो यहां से आप एक तो पी कॉलम क्रिएट करोगे पी के बाद आप डब्ल्यू पी कॉलम क्रिएट करोगे दो कॉलम ठीक है पी भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं चलो पी कॉलम ठीक है डब्ल्यू पी देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी कैलकुलेट करेंगे तो पी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100 ठीक है बच्चे तो आइए ये आप देखें ये आपके पास में क्या है पी वन है पी जीरो है एंड ये तो डब्ल्यू है आपका तो उसे डायरेक्ट लिख दूं बच्चे मैं अब 20/16 × 100 50/40 × 100 15/12 × 100 3/2 × 100 20/16 × 100 125
एंड 50 by 40 into 100, 50 by 40 into 100, 125. अगेन 125, 150. ठीक है बच्चे, पी आ गया, डब्ल्यू भाई तो आप डब्ल्यू पी निकाल लो, 125 into 40, 125 into 40, 5,145, 125 into 25, 3,125, 125 into 20, 2500, 150 into 15, 2250. क्लियर है बच्चे, 150 into 15, 2250. ठीक है, अब क्या करना है आपको, पहले आप निकालेंगे P01 समीशन डब्ल्यू पी अपॉन समीशन डब्ल्यू, एंड P01 इक्वल्स टू समीशन ऑफ डब्ल्यू पी 2250 प्लस 2500 प्लस 3125 प्लस 5000, समीशन ऑफ डब्ल्यू पी इक्वल्स टू 12875 अपॉन समीशन डब्ल्यू, समीशन डब्ल्यू, फोर्टी प्लस 25 प्लस 20 प्लस 15, 100. P01 इक्वल्स टू 128.75. ये तो बच्चे याला केस हो गया. अब कहानी में ट्विस्ट है, कह रहा है कि अब वेटेज वो नहीं रहा, वेटेज अब आपका इंक्रीज हुआ. क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो इफ द वेटेज ऑफ द कमिटीज ए बी सी डी आर इंक्रीज्ड इन द रेशियो, जो ए में इंक्रीमेंट हुआ है, जो बी में इंक्रीमेंट हुआ है, जो सी में इंक्रीमेंट हुआ है, उस इंक्रीमेंट का रेशियो ये है. तो इसका मतलब मेरे पास में इस टाइम पे टोटल कितना है, पहले 40. क्लियर है बच्चे, और टोटल कितना है मेरे पास में 10, और इंक्रीमेंट कितना हुआ इसमें 1 का. ठीक है, तो बेसिकली कितना हुआ मेरे पास में 4. तो अब नया डब्ल्यू कितना आएगा, मेरा नया डब्ल्यू मेरे पास में 4 का इंक्रीमेंट होगा, तो 40 प्लस 4 44. ठीक है बच्चे, इसी तरीके से आप देखें कि पहले कितना था मेरे पास में. ये समझ में बच्चे आया या नहीं आया पहले बताओ, डाउट है तो पूछिए. इसी तरीके से पहले टोटल कितना था 25, और टोटल कितना है मेरे पास में रेशो 10, और इंक्रीमेंट कितना है 2 का, तो इंक्रीमेंट 5 का हुआ, तो 5 का इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा 30, एंड अगेन 20 डिवाइडेड बाय 10 into 3, 6 का इंक्रीमेंट होगा तो कितना होगा 26, और इसी तरीके से 15 डिवाइडेड बाय 10 into 4, 3 और 2, और ये 2 ये 6, तो कितना जाएगा आपका 21. क्लियर है बच्चे, ये आपसे बच्चों को समझ में आया कि क्या था, कि जो इंक्रीमेंट हुआ है इस रेशियो में हुआ है. तो साफ साफ कह रहा है कि इफ द वेट ऑफ द कमिटीज ए बी सी डी आर इंक्रीज इन द रेशियो दिस, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द इंडेक्स नंबर. तो इसका वेट इंक्रीज हुआ है, जो इंक्रीमेंट हुआ है वो इस रेशियो में इंक्रीमेंट हुआ है. तो इनिशियली टोटल 40 था, तो टोटल से डिवाइड कर दिया एंड उसका 1 का इंक्रीमेंट हुआ. क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको कि टोटल का कितना इंक्रीमेंट हुआ, 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 उसका क्या है रेशियोज गिवन है. ठीक है, अब आगे आपको क्या कैलकुलेट करना है. W अब नया आ गया, तो P तो आपका वही है, P में तो कोई चेंज नहीं आया, तो अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या कैलकुलेट करें, आप P कैलकुलेट कर लीजिए, P तो वही है, तो आप W, ये W1 है, तो आप W1 P कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, P तो आपके सामने 125, तो 44 into 125 30 into 125, 375
50 26 इंटू 125 3250 21 इंटू 3 63 क्लियर है, समझ में आया बच्चे आपको ये? अब आप यहां देखें, एक सेकेंड, गलत कॉलम कई बार सेलेक्ट हो जाता है। 21 इंटू पी क्या आपका 150 है ना, अब चलो इजी कर दो, जब हो गया तो 26 इंटू 125 3250 21 इंटू 150 3150 एंड समीशन W1 एंड P प्लस 3150 प्लस 3250 प्लस 3750 प्लस 5500 15650 सॉल्व करेंगे आप P01 नए वाला, तो समीशन W1P अपॉन समीशन W1, तो P01 इक्वल्स टू 15650 अपॉन W1, W1 कितना है 21 प्लस 26 प्लस 30 प्लस 44 121 एंड P01 इक्वल्स टू 15650 डिवाइडेड बाय 121 तो 129.33। अब दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है आपसे, तो डिफरेंस आपसे पूछ रहा है यहाँ पर माइनस, और क्या कर दोगे 128.75 तो 0.58। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? तो डिफरेंस पूछ रहा है 129.33 माइनस 128.75, तो डिफरेंस कितना है आपका 0.588 है। तो क्या लिखोगे 0.5, ये 8 के 5 से अबव है नहीं, इसके बाद वाला डिजिट, तो उसको 59 लिख दो, ये इसका डिफरेंस है। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया वेटेड ऑफ एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड में क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। ठीक है ना।